डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। एक समय था जब आगरा कॉलेज से तमाम महान नेता, अधिकारी और वैज्ञानिक निकलते थे, लेकिन आज यह बात सिर्फ कहावतों तक ही सीमित है, क्योंकि ना तो कॉलेज में कक्षाएं लग रही हैं और ना ही छात्र पढ़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय जिसकी जो कॉलेजों के मतलब इतने दूर दूर तक कॉलेज होते थे, वेस्ट बंगाल तक उसके कॉलेजों के होते थे, पर अब वो धीरे धीरे समट के 300+ कॉलेजों में पहुंच गया है। और लगातार इसका कारण है कि लगातार जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। आज इसी विषय पे हम छात्रों से बात करेंगे कि वाकई में अब जो उनकी जो पढ़ाई जो नई शिक्षा नीति से हो रही है, वाकई में इनके लायक है कि नहीं, या फिर कोई और कोई बदलता हुआ रूप सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, आप बताएँ कि आप कौन से क्लास के सेमेस्टर अभी छात्र? अच्छा, ये बताएँ, BA अभी कुछ दिनों पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएँ हुई हैं, तो और अभी दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा होनी, तो कितना वक्त मिला आपको पढ़ाई के लिए? ज़्यादा वक्त नहीं मिला, पर अब कवर करना पड़ेगा। पर ऐसे ही होगा, अभी देखो हर सेमेस्टर में ये स्थिति है, मतलब जो भी जो फोर्थ वाले सेमेस्टर हैं या थर्ड वाले जो सेमेस्टर दे रहे हैं, उनकी भी बहुत जल्दी जल्दी परीक्षाएं हुई। हाँ, सबकी जल्दी जल्दी हो रही है, क्योंकि जो अभी जो न्यू एडमिशन हुआ है, फिर उनके भी तो एग्ज़ाम है ना, इसलिए हमारी जल्दी हो रहे हैं, उनकी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है ना, इस वजह से। शिक्षा सेमेस्टर परीक्षा अच्छी लगती थी कि ये सेमेस्टर जो पहले जो होती थी एक साल में एक बार, वो अच्छी लगती थी? सेमेस्टर वाइज ही ठीक है वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग, थोड़ा क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वाली पेपर में सिर्फ टिक टिक करने होते हैं। हाँ, वो MR शीट्स होता है सारा, तो कहीं ना कहीं ये तो मतलब गलत है ना, मतलब आपको मतलब माइंड में कुछ ज़्यादा कुछ लिखने की लिखना है आपको? नहीं, थ्योरी में ये कम्फर्ट रहता था कि मतलब उसमें थोड़ा अपने माइंड से भी लिख लेते थे, और इसमें बस अगर ये होता है कि अगर बाई चांस हमने OMR में अगर कोई भी एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर उसका मार्क्स पूरे जाते हैं। आजकल आज के पेपर बहुत आसान हो गए हैं जो। हाँ ठीक ही है, मतलब नहीं, ये आप बताएं आपको क्या लगता है, आप कौन से सेमेस्टर के बताएं? मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ अभी, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप एजुकेशन सिस्टम को जितना आप इजी बनाते हो ना, उतना ही कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत बेकार होता चला जाता है। अब जैसे MCQ का आ गया, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार बोर्ड के अंदर आपने शायद सुना होगा कि 100% MCQ है, तो इससे क्या होता है कि MCQ के अंदर सारे बच्चे MCQ कर रहे हैं, जैसे लगा रहे हैं। अब समटाइम क्या होता है, क्वेश्चन जो लीक कर दिया जाता है उसके बिहाफ पे भी बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो नहीं हो पाता है। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के लिए वक्त मिल रहा है आप लोगों को? सर, पढ़ाई के लिए तो वक्त मिल रहा है, क्योंकि हम कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं। सर, मैं BCOM सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। अब सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वैसे अच्छी है देखा जाए तो, उसमें नए नए सब्जेक्ट्स डाले गए, और जैसे हम BCOM के हमें BSc के कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पता थे वो भी पता चले, पर अगर वोकेशनल को करिकुलर माइनर वगैरह की अगर डेली क्लासेस लगे तो सर हमारे लिए बेहतर है, लेकिन डेली क्लासेस हमारी BCOM की तो खैर डेली लगती हैं, लेक्चर्स भी डेली लगते हैं, टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो हमारा कवर हो जाता है, लेकिन ये वोकेशनल्स हैं, माइनर वगैरह के सब्जेक्ट हैं, वो एक एक हफ्ते की लगती हैं, जो 6 महीने का सेमेस्टर है और वो कितने का लगता है, सिर्फ एक हफ्ते का, तो हम 6 महीने में कैसे, 6 महीने का एक हफ्ते में कैसे कवर कर लेंगे वोकेशनल का? और यही कहा छात्रों, लगातार जो शिक्षा का स्तर है लगातार यही एक कारण है कि लगातार गिरता हुआ चला जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि छात्रों को कम माइंड लगाना पड़ता है, शायद 1 या 2 दिन पहले वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं पेपर से, उसके बाद वो पास हो जाते हैं। उनको बच्चों को लगातार ये करना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखित में पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि वो अपने शब्दों को भी एक्सप्रेस कर सके, ताकि जब प्रोफेसर जब कॉपी चेक करे देखे कि छात्र ने वाकई में ये नॉलेजबल है या नहीं है। कैमरा मनोज के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।